चालू कर। हाँ स्टार्ट कर कर कर। लॉन्ग शॉट लेगा, चाबी छोड़ मत उसका। चालू कर। बताता हूँ मैं, इसमें स्टार्टिंग ट्रबल आ रहा है। ऑलरेडी मैंने गाड़ी को स्कैन किया, स्कैन करने पे फ्यूल प्रेशर टू लो का डीटीसी आ रहा है और सेम टाइम में मल्टीपल मिसफायर, रैंडम मिसफायर का फॉल्ट भी आ रहा है। सबको बताता हूँ मैं, स्टार्टिंग हो नहीं रहा है और कब स्टार्ट हो रहा है तो एग्जॉस्ट से व्हाइट स्मोक ब्लैक स्मोक फेंक रहा है। स्टार्ट कर कर। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। देखो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये ऐसा ट्रबल कर रहा है। देख फिर से मार, होता है क्या? देख मार 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 मार। छोड़, यहाँ दे, हटा दे। अभी 25 mm का स्क्रूज दिया हुआ है, वो दो स्क्रूज से मैं इसका मेटरिंग वाल खोलूंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चेक किया इसके अंदर रस्टिंग मिला मेरे को। रस्टिंग एक ही रीजन से आया रहेगा, इसके अंदर का पानी किधर से फ्यूल टैंक में आया रहेगा ना, वो वजह से आ रहेगा। सो अगर इसमें मुझको रस्टिंग फाउंड हुआ तो सेम टाइम में मैं इसका इंजेक्टर्स भी खोल के चेक कराऊंगा, बिकॉज आपको मालूम रहेगा इसका जो CR सिस्टम है, लो प्रेशर पंप होता है, फ्यूल फिल्टर होता है, हाई प्रेशर पंप होता है, कॉमन रेल होता है और इसके फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, वो सब में डीजल घूमता रहता है और इवन इसका जो फ्यूल टैंक है वहां से डीजल आता है और सब में घूमता रहता है। तो अगर इसमें कुछ खराबी दिखा तो प्रोसेस होता है, पूरा CR सिस्टम इसका चेक करना होता है, जरूरत पड़ा तो चेंज करना भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो लो प्रेशर पंप दिया है, इसका ऑक्सिलरी पंप है और अंदर फ्यूल टैंक में भी एक पंप आता है। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑक्सिलरी पंप भी चेंज कर देता हूँ, लो प्रेशर पंप भी चेंज कर देता हूँ और ये कंडीशन देखता हूँ, ये बनने लायक है तो बनाते या फिर इसको रिफर्निश कोई अच्छा मिलता है वो उठा के डाल देते हैं। और रेल तो सर्विस में आ जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं। इंजेक्टर्स का क्या होता है, स्पेंडल और कंट्रोल वॉल खा लेता है रस्टिंग की वजह से, क्योंकि रस्टिंग घसते घसते उसका मेटल के शिवरिंग्स भी निकलते हैं वो हिसाब से। ये अभी खोलता हूँ मैं, खोल के बताऊंगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं T25 का बोल्ट खोल दिया मैं। आप देख सकते हैं ये देखो रस्टिंग आ गया इसमें। ये देखो आप देख सकते हैं इधर ये इसके डस्ट पार्टिकल से मतलब रस्टिंग पकड़ा इसमें। देखो ये गाड़ियों में प्रॉब्लम रहता ही, आप देख सकते हैं ये पोर्शन में। सब इन शॉर्ट मेरे को क्या करना है, इसका पूरा CR सिस्टम है, CR सिस्टम खोलना पड़ेगा, खोल के सब चेक करूंगा क्या क्या सामान डाली से, एक एक प्रोसेस है बताते जाऊंगा। अभी पहला स्टेप क्या करूंगा मैं इसका, ये चारों इंजेक्टर से इंजेक्टर्स खोल के लूंगा और जो भी है ये सब मशीन पे चेक हो जाएगा और इसका ऑक्सिलरी पंप और लो प्रेशर पंप रिप्लेस कर दूंगा, नया डाल दूंगा और ये खुलने के बाद इसका आगे का बताऊंगा क्या है क्या नहीं करके। सो मैं आपको बता था इसका जो फ्यूल इंजेक्टर का रिटर्न पाइप है वैसा इजीली खुल जाता है, जस्ट आप देख सकते हैं जो है येल्लो कलर का जो डीएल है इसको ऐसा ऊपर उठा देने का ऊपर आ गया और इजीली निकल जाता है। और लगाते टाइम भी ऐसा लगा के जस्ट प्रेस करना होता है, उठाते टाइम भी उठा के आ जाता हूँ। ऐसा चारों खोल दूंगा, रिटर्न पाइप को साइड में कर लूंगा और जो ये जो पाइप है जो रेल से अटैच है उसको खोलूंगा और रेल भी खोलूंगा, इंजेक्टर्स भी चारों खुल जाएगा, निकल आ जाएगा। हिला हिला आ गया, आ गया, उठा लो उठा लो। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चारों इंजेक्टर खोल दिया और यहाँ पे कपड़ा डाल के रख दूंगा फॉर ए सेफ्टी रीजन। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप है इसका जो हाई प्रेशर पंप है वो खोलूंगा और इसके पहले आपको बता दो इसका जो फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर के बोल्ट खोल के बताऊंगा, ऐसे भी बोल्ट सब चेंज है एनीवेज उससे कुछ नहीं होता है, खोल के बता दो इसका क्या कंडीशन है फ्यूल फिल्टर का। आप देख सकते इसका फ्यूल फिल्टर खोला हूँ मैं, ये आई थिंक जो हिसाब से दिख रहा है ना रिसेंटली चेंज हुए ला ये, जो आप देख सकते हैं। और इसका कंडीशन भी खराब नहीं है, अच्छा ही है, रिसेंटली चेंज हुआ क्योंकि ज्यादा चला नहीं है वरना ये काला पड़ जाता है,
कि जो हिसाब से प्रेशर पंप का दिख रहा है ना, और शायद ऑलरेडी चेक हुआ रहेगा क्योंकि स्कैनिंग में फ्यूल के रिलेटेड डीटीसी आता ही है। सो फ्यूल के रिलेटेड डीटीसी आता है, पहला बेसिक स्टेप क्या होता है, फ्यूल फिल्टर ही नॉर्मली चेंज करते, तो आई थिंक चेंज हुआ ये। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, जो फ्यूल फिल्टर फ्यूल टैंक का जो लो प्रेशर पंप है वो खोलने वाला हूँ मैं। सो इसके पहले प्रॉपरली सार का जो पोर्शन है वो क्लीन कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे चलते चलते जो नीचे की मिट्टी है सब ऊपर आ जाता है, उस हिसाब से साइड का पोर्शन मैंने क्लीन किया था। इसके बाद इसका फ्यूल पंप का जो असेंबली है लो प्रेशर पंप वो खोल दिया। आप देख सकते हैं ये जो चमक रहा है ना, ये देखो ये जो पोर्शन जो चमकते हुए दिख रहा है ना, वो मेटल के जो पार्टिकल्स है ना, ये देखो आप देख सकते हैं, ये तरफ देखो इधर का, ये जो दिख रहा है ना ये मेटल के पार्टिकल्स है। ये जो हाई प्रेशर पंप नोजिल्स इंजेक्टर्स के जो रहते हैं ना, वो ऐसा घस घस के इसके अंदर ही आ जाता है। ये पूरा जो टैंक है, टैंक क्लीन करना पड़ेगा। बताया था मैंने इसका हाई प्रेशर पंप मेरे को खोलना था, सो मैंने ऑलरेडी खोल दिया। और खोलने का क्या प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ, बताने का क्या ऑलरेडी मेरा ऐसे वीडियोस है जिसमें मैं हाई प्रेशर पंप खोला उसका। सो आप देख सकते हैं सर्विस होके आ गया है इसका जो हाई प्रेशर पंप है। इसका मैटरिंग वॉल और इसका प्लंजर का तकलीफ था, क्योंकि आपको बता था इसमें वाटर इंटेक हो गया था। अब वाटर इंटेक हुआ रहेगा फ्यूल डालते टाइम ही हुआ रहेगा। सो आपको मैंने बताया था इसका पूरा कंप्लीट सीआर सिस्टम मेरे को क्लीन करना और चेक करना है। यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी पंप होता है, ये देखो इसका जून वाला ऑक्सिलरी पंप है, वो भी मैं चेंज कर रहा हूँ। इसका लो प्रेशर पंप है, ये भी चेंज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये वीका कंपनी का है लो प्रेशर पंप, और ये ऑक्सिलरी पंप है, ये OEM VW का ही है। बाकी आप देख सकते हैं ये इसका कॉमन रेल है, इसको भी मैंने अल्ट्रासोनिक में सब क्लीन किया हुआ है। और ये फ्यूल फिल्टर है और इसका फ्यूल इंजेक्टर्स है, ये सब चीज रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि इसके अंदर अपने को मेटल फाउंड हुआ था, तो रिस्क लेने का नहीं। किधर भी हल्का भी मेटल तकलीफ देगा, वापस घूम फिर के ये प्रोसेस होने ही वाला है। ये देखो आप देख सकते हैं रिटर्न पाइप भी सब मैंने क्लीन करके लिया हूं। और सेम टाइम में देख सकते हैं अब इसका फ्यूल टैंक भी मैंने धो के लिया हो, धो के मतलब स्पंज लिया हो, स्पंज से पूरा मैंने जो अंदर का जो मटेरियल दिख रहा था जो मेटल्स के पूरा क्लीन किया हो, वापस उसको डीजल फ्रेश डीजल डाल के फिर क्लीन किया मैंने, क्या थोड़ा भी रिस्क नहीं मांगता अपने को। और ये जो पाइप है इसके, ये इसका मेन और रिटर्न का, इसमें भी मैंने डीजल डाल के क्लीन किया हूं मैं, क्लीन करके पूरा एक राउंड इसका सर्कुलेशन घुमा है, ये कुछ भी अंदर जो खराबी विराबी रहेगा सब क्लीन होना चाहिए। और ये प्रोसेस मैंने फ्रेश डीजल में किया, मतलब फिर सकते हाई प्रेशर पंप लगा रहा हूं मैं, आप देख सकते इजीली लग जाता है। और इधर M8 का बोल्ट आता है इसका, ये लगा देने का, और इधर M10 का दो बोल्ट रहता है लंबे वाले, वो लगा दूंगा मैं। और इसके बाद जो इसका इंजन का जो स्पॉकेट है, सॉरी इसके बाद जो इसका हाई प्रेशर पंप का स्पॉकेट है वो लगा दूंगा मैं। आप देख सकते हैं इसका बोल्ट है M8 सीरीज का, ये लगा दिया हूं मैं। और M10 सीरीज का ये भी बोल्ट है, दो बोल्ट है, इसको भी लगा दिया हूं मैं। सो ये टाइट कर दूंगा, उसके बाद का बताता हूं मैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये तीनों बोल्ट है ना, मैंने टाइट कर दिया। और ये हाई प्रेशर पंप का इसका जो शाफ्ट है, ये इसका स्पॉकेट दिया हुआ है, ये देखो आप देख सकते हैं। ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट इसके इसमें जाएगा, आप देख सकते हैं परफेक्टली बैठ जाता है। और ये 27 नंबर का नट है, इसको फुल टाइट कर देंगे आप। आप देख सकते हैं नट फुल टाइट हो गया। इसको यहाँ पे एक टूल से पकड़ के नट को टाइट करना होता है, क्योंकि फुल टाइट इसको करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा भी टाइट करने जाएगा ना ये ऐसा घूमते रहता है इसका जो स्पॉकेट। सो ऐसा नहीं होने के लिए इसको लॉक करना पड़ता है, लॉक करके इसको फुल टाइट करने का। आप देख सकते हैं हाई प्रेशर पंप मैंने लगा दिया, और इसका टाइमिंग भी सब सेट कर दिया। टाइमिंग आपको मालूम रहेगा इसका सब लॉक होता है, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो कवर है। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, अब इसका इंजेक्टर्स है, इंजेक्टर्स लगा रहा हूँ मैं, इसका लगा दिया हूँ मैं। मेरे को इसका कोडिंग याद नहीं है किधर से खोला क्या खोला है, सो होने के बाद मैं उसको बाद में कोडिंग कर दूंगा।
सो अभी दो लगा दिया और ये बाकी के पहला दूसरा लगा दिया, तीसरा चौथा भी लगाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लगा दिया हमें, अब इसका रेल लगाऊंगा और इसके पाइप्स लगा दूंगा मैं। और ये ध्यान देना होता है ऐसा जब बैठा देना इसको थोड़ा ऊपर से फटका मारने का, काहे को इसका रिंग के वजह से ना पूरा ऐसा अंदर कभी प्रेस नहीं होता है, और बोल्ट टाइट करने पे ऐसा प्रेस होता नहीं क्योंकि आपको मालूम रहेगा इसका बोल्ट ओवर टाइट नहीं कर सकते इंजेक्टर्स का। सो एक दो छोटा मोटा चीज का ध्यान देना पड़ता है। देख सकते हैं इंजेक्टर्स लगा दियो मैं और इसके बोल्ट है, ये बोल्ट भी लगा दे रहा हूँ। इसको फुल टाइट नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा थोड़ा हिलना मांगता है। उसके बाद मैं इसका फ्यूल रेड लगाने वाला, इसके भी M10 के बोल्ट है, ये बोल्ट लगा दूंगा, पाइप लगा दूंगा। उसके बाद ये भी बोल्ट टाइट करूंगा और ये भी बोल्ट, इसके भी जो इंजेक्टर्स के बोल्ट है ना साथ में टाइट करूंगा। पहले पाइप लगा के सब ले लूंगा और जो इसका पाइप है उसको भी क्लीन करके लूंगा मैं क्योंकि रिक्स मांगता नहीं अभी अपने को। आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक एकदम प्रॉपरली क्लीन कर दिया मैंने, नया डीजल डाल के भी इसको क्लीन किया। इवन जो इसका पाइप है पाइप के अंदर वैक्यूम प्रेशर मारा हूं मैं, हवा मार के लिया है कि बीच में कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं चाहिए। सो अभी आपको बता दो मैं, इसका लो प्रेशर पंप है ये लगाने वाला हूँ मैं। सो कैसा लगाने का बता दो मैं, सबसे पहला तो ये पाइप्स को है ना साइड में रख देगा ऐसा, क्या बीच में नहीं आना मांगता, थोड़ा ऐसा मुड़ेगा टेंशन नहीं होता, पाइप बहुत हैवी ड्यूटी पाइप रहता है जैसे बीच में आ ही नहीं रहे हो। पहला इसको फ्यूल गेज को ऐसा डाल के लेना पड़ता है और इसमें जो रिंग है ना रिंग को पहला बॉडी में फिक्स कर देना होता है। देखो आप देख सकते हैं ये रिंग को फिक्स नहीं करेगा ना डायरेक्ट ये बैठता नहीं है, थोड़ा तकलीफ वाला काम है बट उसको करना पड़ता है। देखो रिंग को पहला पकड़े से आप देख सकते हैं ये रिंग को मैंने बॉडी में बिठा के लिया है, ये देखो, क्योंकि इस पे अगर अपन इसके बॉडी पे बिठा के रखेगा ना तो कैसा प्रॉपरली प्रेस नहीं होता है। सो इस पे बिठा के लिया हमें छोड़ दे भाई। सो आप देख सकते हैं अभी इजीली प्रेस हो जाएगा ये, देखो ऐसे पोजीशन पे बैठता है। और ये इसका जिसको क्लीन कर दूंगा, इसका ब्रैकेट है बता दो कैसा लगता है, ये इसको लॉक करता है ये। So, आप देख सकते हैं इसका ये लॉक ब्रैकेट रहता है, ऐसा इजीली लगता है आपको बता दो मैं, और दबा ना आप देख सकते हैं ऐसा बैठ जाता है और इसको ऐसा ट्विस्ट करना होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर या फिर हैमर से ना थोड़ा हल्का सा ठोक देने का क्लॉकवाइज तो टाइट हो जाता है। ये जो है यहाँ तक टच हो जाता है, ये जो स्टॉपर है यहाँ पे टच हो जाता है तो समझ जाने का फ्यूल पंप पूरा टाइट हो चुका है। बस आप देख सकते हैं ये फ्यूल का जो वेंटिंग सिस्टम है वो मैंने एक्टिवेट कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, जिसका लो प्रेशर पंप है ना और इसका ऑक्सिलरी पंप एक्टिवेट होता है। आप देख सकते हैं आपको सुनाई देता रहेगा, मतलब जितना भी सिस्टम का एयर है ना एयर रिलीज होता है, ये करने के बाद भी नेसेसरी नहीं एक शल में स्टार्ट हो जाएगा गाड़ी क्योंकि अपन ने पूरा सीआर सिस्टम खोला था। राउंड लेगा अच्छा खासा राउंड लेके ही स्टार्ट होना है ना, मतलब एक 8-10 सेकंड का राउंड लेके ही स्टार्ट होना है ना, क्योंकि जितना भी एयर है ना एयर को रिलीज कर रहा है फ्यूल सिस्टम में। ये आप देख सकते हैं इसका लो प्रेशर पंप भी है, इधर आपको सुनाई देगा, ये भी एक्टिवेट हो गया है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वेंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मार शेल्फ मार, स्विच ऑन कर पहला शेल्फ मार। सब परफेक्ट है, एसी ऑन है। देखो 245 किलोमीटर चला हूं मैं,
कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, आरपीएम भी एकदम स्टेबल है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इसका इंजेक्टर्स था, आपको बताया था मैंने इसका सीआर सिस्टम में तकलीफ आया था। सो आप देख सकते हैं इसका इंजेक्टर मैंने चेक किया था, ये तो सब चीज़ का रीडिंग आप देख सकते हैं, सर रेड पे चले गए, मतलब सब के सब इसके जो थे पार्ट्स थे सब खराब हो चुके थे। देखो तो सब बनने के बाद आप देख सकते हैं सब प्रॉपर हो चुका था, सब वैल्यू भी एकदम ग्रीन में आ गया, सब परफेक्ट हो चुका था। तो आप देख सकते हैं तो यही तकलीफ था, पूरा सीआर सिस्टम का काम हो चुका था, हाई प्रेशर पंप लो प्रेशर पंप ऑक्सिलरी पंप रिप्लेस हो चुका था और इंजेक्टर सर्विस हो चुका था, मतलब जो जो पार्ट्स रहते इंजेक्टर का सब चेंज हुआ था।